हेलो एवरीवन, गुल्लू स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। विटामिन से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज बनते हैं वो आज हम सब पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है श्री फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 0 जूल। दोस्तों, विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती हमें, यह हमारे शरीर में खाना के उत्प्रेरक बढ़ाने के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है लैटिन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है विटामिनोलॉजी। दोस्तों, अगर आपको आंसर आते हैं तो आप ज़रूर आंसर करें कमेंट में। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन को किस दो प्रकार के में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है दोनों, पानी में घुलनशील और पसा में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों, इसका सी आंसर सही है दोनों, बी और सी। दोस्तों, आपको याद रखना है बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। दोस्तों, इसकी ट्रिक है सी, विटामिन सी जो पाया जाता है वो नींबू में पाया जाता है। और दोस्तों, नींबू पानी में घुलनशील होता है, इसी से पता लगा लीजिएगा बी और सी दोनों पानी में घुलनशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन बसा में घुलनशील है? दोस्तों, इसका आंसर है सभी। दोस्तों, एक शब्द याद करना है आपको, के डी ए, कीड़ा। दोस्तों, के ई ए, ये चारों विटामिन बसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है विटामिन डी, सन। दोस्तों, सन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त होता है, इसलिए सनशाइन याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों, इसका भी सही आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है सभी, गाजर, हरी सब्जी जैसे पालक आदि और मूली, सब में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन को रोग प्रतिरोध विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है विटामिन ए। दोस्तों, मैं पहले विटामिन ए के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद विटामिन बी के, सी के, फिर डी के, सिक्वेंस से चलेंगे जिससे याद जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है, होता है मतलब? तो इसका भी सही आंसर है दोस्तों विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली अस्थियो किस विटामिन की कमी से होती है बीमारी? दोस्तों, इसका सही आंसर है विटामिन डी, अस्थियो मतलब अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, हड्डी की जो बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है थियामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B1 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों B1 कह लें या विटामिन B कह लें, तो दोनों से होता है बेरीबेरी रोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर है B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों ये रोग होता है विटामिन B12 की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन कमी के कारण मानसिक विकार या मंदबुद्धि भी बोलते हैं दोस्तों इसे, या पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन B3 की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों, गलत लिख गया है, साइनो है, साइनोवाक्लोविन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप पूरी वीडियो जरूर देखें, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन विटामिन से बनते हैं मैंने सारे छांट के एक साथ दिए हैं आपको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों थेरोथेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है बायोटीन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है B7, यानी कि बायोटीन भी कहते हैं इसे, याद रहना। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एस्कार्विक अम्ल। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है? तो इसका भी सही आंसर है दोस्तों विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन छूट गया है, नहीं ठीक है सही। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन कैंसर के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों माइक में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन था, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों विटामिन B।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है B7 बायोटीन, दोनों नामों से इसे जाना जाता है। B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन डी। जो अपनी हड्डियां बनी होती हैं दोस्तों, कैल्शियम की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के कमी के कारण, गलत लिख गया है ये, किस विटामिन के कमी के कारण बच्चों के अंग की अस्थियां मुड़ जाती हैं? अस्थियां मतलब हड्डियां। तो ये दोस्तों इसका भी आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो इसका भी सही आंसर है दोस्तों विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दोनों, B6 और B12, दोनों विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेरीबेरी, बी से होता है ये विटामिन बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है बेटा दोनों, इसका फ्लोक्विनोन और क्यूनॉन, दोनों विटामिन के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है? दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण महिलाओं में बांझपन की शिकायत पाई जाती है? तो इसका भी सही आंसर है दोस्तों विटामिन ई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कार्य करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन के। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन सी। दोस्तों एक और क्वेश्चन छूट गया है कि मानव के मूत्र में यूरिया में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वो भी सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण से रोकने की मदद करता है? सारे दोस्तों विटामिन ए।